नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात पर डिस्कस किया था कि बैंक के स्टूडेंट्स को रेलवे एनटीपीसी की फॉर्म फिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में एग्जाम के पैटर्न को भी समझा था कि किस सेक्शन से और कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे की नोटिफिकेशन बैंक के नोटिफिकेशन से डिफरेंट होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी आए। तो यहाँ पर अभी हम नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन की एनालिसिस के टाइम में मैं सिर्फ उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगा जो डिफरेंट है, जिसे समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी आएंगी। जो आसान सी चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। वो आप खुद से पढ़कर समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को आप देखो। यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 1 मार्च को शाम में 4 बजे से लेकर 31 मार्च को रात में 11 बजे तक की यहाँ पर दे रखी है। तो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर जो टेंटेटिव शेड्यूल्ड डेट दी गई है एग्ज़ाम की, जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको कि हम यहाँ पर CBT 1 बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, तो उसकी डेट यहाँ पर जून से सेप्टेम्बर 2019 के बीच में दे रखी है। तो जून से सेप्टेम्बर के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आगे देखो, आगे आपको पता है कि इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 12th पास लोग हैं उनके लिए ये 5 डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 5 पोस्ट पर 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको देखते हैं। आपको पता है कि रेलवे की नोटिफिकेशन में रेलवे के फॉर्म फिल करते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड से पता चलेगा कि आप कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड को ही समझते हैं। यहाँ पर जो कोड दे रखा है C2 A3 B2, इसका क्या मतलब है? चलिए सबसे पहले हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पेज को ही निकालते हैं। वो भी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन में डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 में ये पूरी डिटेल में बात दी गई है। तो यहाँ पर हम समझते हैं इसको कि मेडिकल स्टैंडर्ड का जो कोड A2 है, तो कोड A2 का क्या मतलब है? देखो, कोड A2 का मतलब ये है कि जो विजुअल एक्विटी आपकी होनी चाहिए वो 6x9 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। मतलब अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप A2 कैटेगरी वाले फॉर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, A2 वाले पोस्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो विदाउट ग्लास आपकी जो विजुअल एक्यूटी है वो इतनी आनी चाहिए। अगर इतनी आ रही है विदाउट ग्लासेस तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो A2 स्टैंडर्ड वाले। A3 स्टैंडर्ड को देखो, A3 स्टैंडर्ड में दिया गया है कि आपकी विजुअल एक्यूटी 6x9 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। तो यहाँ पर ध्यान में ये रखना कि अगर आप चश्मा पहनते हो, चश्मा पहनने के बाद अगर आपकी विजुअल एक्यूटी इतनी आ रही है तो आपकी जो लेंस की पावर है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 2 डायोप्टर तक की अगर है और आपकी जो एक्विटी है वो 6x9 की आ रही है तो आप A3 कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। तो आप A3 कैटेगरी में आते हो और A3 कैटेगरी में जो भी पोस्ट हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब B2 कैटेगरी से क्या मतलब है? B2 कैटेगरी से मतलब है कि आपकी विजुअल एक्विटी 6x9 अगर आ रही है विद और विदाउट ग्लास, तो यहाँ पर ध्यान में रखना विद ग्लास में अगर आप चश्मा पहनते हो और तब इतनी एक्विटी आ रही है, लेकिन आपका जो लेंस का पावर है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 4 डायोप्टर तक के लेंस की पावर होनी चाहिए और तब जाकर आपकी एक्विटी 6x9 अगर हो रही है तो आप B2 कैटेगरी में आते हो और B2 कैटेगरी के अंदर जो भी पोस्ट हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो। अब C2 कैटेगरी की बात कर लें तो C2 कैटेगरी में आप चश्मा पहनते भी हो या फिर नहीं भी पहनते हो कोई बात नहीं है। अगर आपकी जो एक्विटी है वो 6x12 की आ रही है तो आप C2 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सारे पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो लेंस की पावर है उसकी बात नहीं की गई है। मतलब अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपके लेंस की पावर कितनी भी हो, अगर आपकी विजुअल एक्विटी चश्मा पहनने के बाद इतनी आ रही है तो आप C2 कैटेगरी में आ रहे हो और इसके अंतर्गत जो भी पोस्ट हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप A2 कैटेगरी में हो तो आप A3 वाले भी अप्लाई कर सकते हो, B2 कैटेगरी वाले फॉर्म भी पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो और C2 कैटेगरी वाले पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप A3 कैटेगरी में आ रहे हो तो आप A3 के साथ साथ B2 और C2 भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप B2 कैटेगरी में आ रहे हो तो आप B2 के साथ साथ C2 भी अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप B2 में हो तो आप C2 तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन A3 और A2 अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में बताया गया है दोस्तों, पेज नंबर 7, 8 में। तो पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 आप ओपन करके इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं, जो यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिख रही होगी कि लेवल की बात दिखाई गई है। यहाँ पर अलग अलग लेवल अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, चलिए यहाँ पर ही हम समझते हैं। तो इसका CPC यहाँ पर देख रहे हो, लेवल इन 7 CPC। तो 7 CPC से मतलब ये है सेंट्रल पे कमीशन। तो 7th सेंट्रल पे कमीशन, ये जो पे कमीशन है 7th पे कमीशन, उसके अंतर्गत जो अलग पोस्ट के लिए अलग सैलरी दी जाती है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी के लिए उसे एक लेवल में रखा जाता है। मतलब इस लेवल के अंतर्गत जो आते हैं उसको इतनी सैलरी मिलेगी, इस लेवल के अंतर्गत जो आते हैं उसको इतनी सैलरी मिलेगी। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 से 4 तक के जो पोस्ट हैं वो लेवल 2 में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, इन लेवल 2 वाले जितने भी पोस्ट हैं सभी की सैलरी भी यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर 5 में एक पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 में आ रहा है। तो इसकी जो सैलरी है वो भी आपको यहाँ पर डिफरेंट दिख रही है। तो लेवल 3 के लिए सैलरी डिफरेंट है और लेवल 2 के लिए यहाँ पर सैलरी सेम है। अब यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लो कि C2 तो सबसे लास्ट में था, मतलब अगर आप चश्मा पहनते भी हो, चश्मा नहीं भी पहनते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो C2 वाला। तो शुरुआत के 1, 2, 3 पोस्ट जो हैं वो C2 कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आप लोग अच्छे से खुद से देख लेना कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 पोस्ट हैं जो कि 12th पास वाले फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर 8 पोस्ट दिए गए हैं जिसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो ग्रेजुएट अगर आप हो तो आप यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स कार, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर ये 8 पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। अब देखो यहाँ पर एज लिमिट भी दी गई है कि 12th पास जो भी यहाँ पर पोस्ट हैं इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक की है। तो 18 से 30 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल वाले जो पोस्ट हैं उसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 33 की होनी चाहिए। तो 18 से 33 की एज अगर आपकी है तो आप ये सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी आपको दिख रहा है कि लेवल अलग अलग हैं और यहाँ पर लेवल के अनुसार जो सैलरी है वो भी दिख रहा है, यहाँ पर वैकेंसीज भी दिख रही हैं और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए है, कौन से, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, गुड्स गार्ड के लिए और लास्ट में स्टेशन मास्टर के लिए। तो इन 3 पोस्ट के लिए अगर आप चश्मा पहनते हो तो एलिजिबल नहीं हो। चश्मा नहीं पहनने वालों के लिए स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और ट्रैफिक असिस्टेंट है। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि डॉक्टर्स चश्मा इसलिए भी दे देते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। मतलब मान के चलो कि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम टाइम तो कंप्यूटर पे ही जा रहा है मॉक टेस्ट देते हुए। तो वैसे कंडीशन में आपके आँखों में थोड़ा बहुत दर्द होना स्वाभाविक है, आँखों से कभी कभी पानी जाता है तो आप आँखों के डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हो तो वो आपको चश्मा दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो आपको वो पावर देते हैं वो काफ़ी कम होता है, मतलब 0.25 से 0.5 तक के बीच की पावर देते हैं। तो वो मान के चलो कि बहुत ही कम है, उतनी पावर अगर आपकी आ रही है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार अपने नज़दीकी आँखों के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना और उनसे पूछना बिना चश्मे के आपकी जो विजुअल एक्विटी है वो A2 कैटेगरी के अंतर्गत आ रही है या नहीं आ रही है। अपने से आप ये आइडिया मत लगाना कि आप इस स्टैंडर्ड में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक बार कंसल्ट कर लेना डॉक्टर से, ठीक है, वो आपको बता देंगे। तो हो सकता है कि भले ही आप चश्मा पहन भी रहे हो लेकिन फिर भी आपकी एक्विटी A2 कैटेगरी में आ रही हो, तो ऐसे में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। चलिए तो ये तो बात हो गई यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अब आगे देख लेते हैं। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात है तो वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब यहाँ पर एज लिमिट की बात देख लेते हैं। एज लिमिट जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है वहाँ पर आपकी देख लो, यहाँ पर पेज नंबर 9 में दिया गया है। जो भी मैं पेज नंबर बता रहा हूँ वो आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर 9 में देखो एज लिमिट की बात दी गई है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए यानी कि 12th पास पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो एज है वो
2 जुलाई 1989 से पहले की नहीं होनी चाहिए। बर्थ जो है वो 2 जुलाई 1989 से पहले की नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 जुलाई 1986 से पहले की नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, वो आप अच्छे से देख लेना। ये सारी चीज़ें तो समझना आसान ही है। अब ग्रेजुएट पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लो, जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी यहाँ पर जो जन्म है वो 2 जुलाई 1986 से पहले की नहीं होनी चाहिए, 1 जुलाई 2001 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो ये पेज नंबर 9 पेज नंबर 10 देख लेना, तो आप खुद से ही इस चीज़ को समझ जाओगे। यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है उसकी डिटेल भी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है। तो जनरल और ओबीसी के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 500 रुपये की है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ी 250 रुपये की है। अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये बात है कि 500 रुपये आपको लगेंगे, बिल्कुल अभी तो 500 रुपये लगेंगे, लेकिन इसमें से 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। कब वापस आएंगे? अगर आप CBT 1 में अपियर होते हो। ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपने फॉर्म फिल कर दिया 500 रुपये देकर और आप CBT 1 में अपियर भी हो गए, तो आपको 400 रुपया रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अगर आप CBT 1 में अपियर नहीं होते हो तो वो 400 रुपये आपको रिफंड नहीं होंगे, ठीक है? तो अपियर होने के बाद जब CBT 1 कंप्लीट हो जाएगा तो CBT 2 से पहले ही आपके अकाउंट में 400 रुपये रिफंड आ जाएंगे। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 250 रुपये अभी लगेंगे, और अगर वो CBT 1 में अपियर हो जाते हैं तो उनको पूरे के पूरे 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे, ठीक है? ये रिफंड कब होगा? जब आप CBT 1 में अपियर हो जाओगे तब। अगर आप अपियर नहीं होते हो तो फिर रिफंड नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये तो हो गई एग्जामिनेशन फ़ी की। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको रिफंड मिल रहा है यहाँ पर। मतलब जनरल ओबीसी की बात करें तो 100 रुपये ही लगेंगे, अभी 500 लगेंगे, लेकिन CBT 1 में अपियर होने के बाद 400 रिफंड आ जाए। चलिए अब यहाँ पर पेज नंबर 11 में EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन दी गई है 10% की, उसके बारे में डिटेल दी गई है कि आपको वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाने हैं, वो यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। तो पेज नंबर 13 को आप नोट डाउन कर लो। पेज नंबर 13 को आप अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है? और यहाँ पर कहाँ से आपको बनवाना है वो सर्टिफिकेट, उस बारे में भी डिटेल में बताया गया है। तो इस चीज़ को भी समझ लेना, और अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो बनवा लेना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर आते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पेज नंबर 19 में मिल जाएगा दोस्तों। तो पेज नंबर 19 में आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेना। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर देख लो, जो एग्ज़ाम होगा आपका वो CBT 1 होगा और फिर जाकर CBT 2 होगा। तो CBT 1 की जो एग्ज़ाम की टाइमिंग होगी वो 90 मिनट की होगी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर 100 होने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम जो मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है। देखो ये 90 मिनट यहाँ पर 100 क्वेश्चन के लिए सफिशियंट होते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि टाइम कम हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग के तो 60 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं ना। 60 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के करने हैं, और GA के 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो GA के 40 क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि या तो आप जानोगे या तो नहीं जानोगे। अगर जानोगे तो आपको तुरंत क्लिक कर लोगे, नहीं जानोगे तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। देखो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, बैंक एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पर आपको तुक्के नहीं मारने हैं, 1/3 नेगेटिव है तो तुक्के नहीं मारने हैं, जो आप जानते हो वही आपको क्लिक करने हैं, ठीक है? तो ऐसे में जब तुक्के मारने ही नहीं हैं तो जो जानोगे वो फटाफट क्लिक होंगे, जो नहीं जानोगे उसे स्किप करना है। तो यहाँ पर आपको 90 मिनट सफिशियंट मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन के लिए। तो ये CBT 1 के लिए है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो नीचे में सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस को हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आती होंगी वो सभी इन लोगों ने लिख कर रखा होगा। यहाँ पर देखो लास्ट में इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद ETC भी लिख दी हैं। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सही चीज़ें यहाँ पर सिलेबस में डाल रखी हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, किस स्टैंडर्ड के चैप्टर्स आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को कल से, जो लास्ट टाइम जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो आपको करवाऊंगा। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि लास्ट टाइम किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे,
क्या स्टैंडर्ड थी, क्या लेवल थे और किन चैप्टर से क्वेश्चंस आते थे। मतलब लास्ट ईयर जितने भी शिफ्ट हुए थे, जितने भी दिन एग्जाम हुए थे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। सीबीटी 1 के भी और सीबीटी 2 के भी सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड वाले मैं आपको करवाऊंगा, मैथ के भी, रीजनिंग के भी और जीके के भी। ये चीज़ मैं आपको कल से ही स्टार्ट करूंगा, तो कल से ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं लाने स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा डिटेल में आइडिया लगेगा, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस के बारे में तो आप समझ ही गए, तो यहाँ पर अब हम सीबीटी 2 को देख लेते हैं। तो सीबीटी 2 में यहाँ पर देखो जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 90 मिनट ही रखी गई है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया गया है, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन आपको 120 मिलेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कैसे किया गया है, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में 35 और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, तो ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान में ये रखना कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जो भी आएगा आपको ओवरऑल कट ऑफ ही आएगा। और यहाँ भी आपको जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी, नॉर्मली बैंक एग्जाम में 1/4 होती है, लेकिन रेलवे में 1/3 है, तो तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ भी सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात मिल गए। अब देखो, कुछ पोस्ट के लिए सीबीटी 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट होती है, कुछ पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होता है, और कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट होता है। तो वो चीज़ क्या है, कौन से पोस्ट के लिए क्या होता है, अब हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पेज नंबर 23 आप लोग नोट डाउन कर लो, पेज नंबर 23 में ये चीज़ डिटेल में दे रखी है। तो पेज नंबर 23 में क्या दिया गया है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सीबीटी 1 जो है वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा, चाहे वो आप 12th पास के लिए हों या फिर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट के लिए भर रहे हों, सभी के लिए जो सीबीटी 1 होगा वो कॉमन ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीबीटी 2 के लिए, तो सीबीटी 2 के लिए जो 7 CPC का लेवल है, तो हर लेवल के लिए अलग सैलरी थी, वो आप लोगों ने देख ही लिया, तो वही है, हर लेवल के लिए जो सीबीटी 2 होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड होगी वो डिफरेंट यहाँ पर सेट की जाएगी। तो जिसकी सैलरी ज़्यादा है जिस पोस्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उस पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के आएंगे, जिस पोस्ट में सैलरी कम है उस पोस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े आसान लेवल के होंगे, मतलब आसान तो नहीं कहूँगा, कम डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीबीटी 2 में जो लेवल पोस्ट है उसके लिए अलग होगा क्वेश्चन सेट, जो लेवल 3 है उसके लिए क्वेश्चन अलग सेट होंगे, 4 के लिए अलग सेट होंगे, 5 के लिए और 6 के लिए भी अलग अलग क्वेश्चन सेट होंगे। अब कौन से लेवल में कौन सा पोस्ट है वो यहाँ पर अच्छे से दे रखा है, तो वो आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर 1 से 3 नंबर की जो पोस्ट है, इस 1 से 3 नंबर की पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट होगी, और यहाँ पर जो ट्रेंस क्लर्क है और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन दो पोस्ट के लिए यानी कि 4 और 5 नंबर के पोस्ट के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर 6 नंबर पे जो है ट्रैफिक असिस्टेंट, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको कि हम लोग साइको टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, साइको टेस्ट बोलते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो ये आपका ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद में। अब यहाँ पर 7 नंबर और 8 नंबर में जो है गुड्स कार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद में सीधा मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, अलग से कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, सीनियर टाइम कीपर के लिए, इन तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट होनी है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए सीबीटी 1 और 2 के बाद कुछ भी नहीं होना है। स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पर फिर से कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि साइको टेस्ट हम लोग जिसको बोलते हैं। तो साइको टेस्ट सिर्फ 2 पोस्ट के लिए है, एक तो ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है और एक स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए है, तो इन 2 पोस्ट के लिए आपको साइको टेस्ट देना होगा, बाकी किसी पोस्ट के लिए साइको टेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है और कुछ पोस्ट के लिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद में कुछ भी नहीं है, तो ये पेज नंबर 23 में आपको डिटेल से दिख जाएगा। चलिए, तो चलिए दोस्तों, ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी नोटिफिकेशन में, हम लोगों ने उसे अच्छे से डिटेल में समझ लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर आते हैं। देखो, आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप फॉर्म फिल करोगे तो जैसे बैंक के एग्ज़ाम में होता है कि आपसे बैंक, कौन से बैंक में जाना चाहते हो IBPS के फॉर्म फिल करते वक्त, वो आपसे प्रेफरेंस मांगते हैं, तो इसी तरह से जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कौन से पोस्ट के लिए आप
जाना चाहते हो उसके लिए आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे कि नंबर एक पे आप ये वाली पोस्ट देना चाह रहे हो, नंबर दो पे आप ये वाली पोस्ट देना चाह रहे हो। तो इस तरीके से आप एक ही फॉर्म में अपनी प्रेफरेंस डालकर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जोन वाइज होता है रेलवे का एग्ज़ाम, तो आप सिर्फ किसी एक जोन से ही फॉर्म फिल कर सकते हो, दो जोन से फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। जैसे बैंक के लिए ही मैं उदाहरण देता हूँ, आरआरबी की फॉर्म फिल करते हो आप या आईबीपीएस क्लर्क की फॉर्म फिल करते हो, तो वहाँ पर आप किसी एक स्टेट से ही फॉर्म फिल करते हो, तो बिल्कुल उसी तरह से है, आप किसी एक जोन से ही फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर आप पूरे देश में किसी भी जोन से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो, लैंग्वेज इश्यू नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लैंग्वेज इश्यू नहीं है, आप किसी भी जोन से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर आप देख लो, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 से यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम देख लो, जैसे यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद की टोटल डिटेल में बताई गई है, आरआरबी अजमेर का डिटेल में बताया गया है, आरआरबी इलाहाबाद का भी है, यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद का बताया गया है। तो आरआरबी इलाहाबाद में ही है, जैसे आप देख लो जो टोटल वैकेंसी है वो जनरल के लिए यहाँ पर 1662 वैकेंसी है, एससी के लिए 596 वैकेंसी है, एसटी के लिए 348, ओबीसी के लिए 1072 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 421 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी है। अब कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पर डिटेल में दी गई है, तो वो तो मैंने आपको बताया ही है कि आप एक साथ कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको बस प्रेफरेंस डालने होंगे। तो इसलिए यहाँ पर सीधा टोटल वैकेंसी ही देख लिया करो। चलो, तो ये आपको कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है वो पेज नंबर 52 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 52 से आप जोन वाइज जो भी वैकेंसी दी गई हैं वो आराम से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, और तब जाकर किसी एक जोन को चूज़ करना और फिर अप्लाई करना, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो दोस्तों नोटिफिकेशन में जो आपके लिए जानना ज़रूरी था, और कुछ नई चीज़ें भी थी जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होती है तो वो आप मुझसे पूछना कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।